Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back with another episode of Learn Engineering. और आपके लिए आ गया एपिसोड 21 या ये कह दो लेक्चर नंबर 21. और इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं व्हाट आर द कलरफुल बॉल्स ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन लाइन पे अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की कुछ कलरफुल बॉल्स कई बार लटकी होती हैं. तो ये क्या होती हैं, इनका पर्पस क्या होता है, ये बात करेंगे इस एपिसोड में. तो बेटा तैयार हो जाओ एक और शानदार जानदार जबरदस्त सेशन के लिए. जल्दी से दबा के लाइक ठोक दो, अटेंडेंस मार्क कर दो और ज्यादा से ज्यादा क्राउड से शेयर कर दो ताकि सबको मालूम चल जाए कि नया एपिसोड रिलीज हो गया है. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में दो बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 के अंदर. इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ. आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE. और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट. लेकिन ये सारी बातें तो आप लोगों को पता होंगी बच्चों, लेकिन मेरे को मजा तब आएगा जब आपकी प्रोफाइल में ये सब चीजें लिखी होंगी और इसी विजन के साथ हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी की पूरी टीम. और आपके लिए एक के बाद एक के बाद एक इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर में ताकि आप लोगों तक मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच पाए. और ये इनिशिएटिव सिर्फ YouTube के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाए जाते, बल्कि आप तक पहुंचाए जाते हैं Unacademy App के माध्यम से भी. तो आप इमीडिएटली बेटा Unacademy App इंस्टॉल कीजिए और वहां पे हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का फायदा लीजिए. सिंपली उन्हें अनलॉक करना रहेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE. तो चलो आ जाते हैं यार आज के अपने टॉपिक पे. व्हाट आर द कलरफुल बॉल्स हैंगिंग ऑन आवर ट्रांसमिशन लाइन. तो बेटा पहले देख लेते हैं ये जो कलरफुल बॉल्स होती है ना, ये अक्सर 5 से 7 किलो के वजन की होती हैं, तो कोई हल्की बॉल नहीं होती है. और इनका डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 36 इंच कह दो या 1 मीटर होता है. तो इनका डायामीटर 1 मीटर होता है या 36 इंचेस होता है. कलर यूजुअली कौन से यूज किए जाते हैं, ऑरेंज, येलो, वाइट या रेड. और ये बनाई जाती हैं हार्ड प्लास्टिक से. तो दैट इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज बॉल्स की 1 मीटर का डायमीटर होता है, ऑरेंज, येलो, वाइट और रेड कलर्स की होती हैं और हार्ड प्लास्टिक से बनती हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कहां लगती हैं और क्यों लगती हैं. ये लगती हैं अक्सर हिली एरियाज में या फिर जहां टावर दूर दूर होते हैं, टावर दूर दूर होते हैं वहां पे क्या होता है, जैसे कि मान लो समुद्र है या रिवर है, तो वहां पे बहुत क्लोज बाय हम टावर कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट है. तो वहां पे टावर्स दूर दूर लगाए जाते हैं इफ देयर इज अ रिवर बिटवीन द 2 टावर्स, है ना. या फिर ऐसी जगह जहां एयरपोर्ट या रनवे होता है. तो ऐसी जगहों पे बॉल्स क्यों लगती हैं, आप इस फिगर में भी देख सकते हो बेटा कितनी सारी ये बॉल्स लटका रखी हैं. ऐसा क्यों है, इसका पर्पस क्या है. इसका पर्पस है सिंपल सा, ये मार्कर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे एपरेटर्स आपके लो फ्लाइंग होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर. ठीक है, अब व्हीकल जो लो फ्लाइंग है जैसे कि हेलीकॉप्टर, अगर मान लो आप पहाड़ी इलाके में हो तो पेड़, सीनरी, ग्रीनरी, इनके अंदर ऐसा हो सकता है उसे ट्रांसमिशन लाइन नजर ना आए, विच कैन कॉज अ एक्सीडेंट. आप बात समझ रहे हो, अगर ये बैकग्राउंड में लॉस्ट हो गई ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि एल्यूमिनियम की है इतना इजीली उसे स्पॉट नहीं किया जा सकता, इनका कलर बहुत लाइट होता है, तो बहुत हाई चांस है कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फ्लाइंग व्हीकल इनके अंदर फंस सकता है, टकरा सकता है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग इस टाइप की बॉल्स को इंस्टॉल करते हैं ताकि जब कभी कोई फ्लाइंग व्हीकल आएगा तो उसे समझ आ जाएगा अच्छा यहां पे ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, थोड़ा इसके दूर से ही जाना पड़ेगा या हाइट रेज करके थोड़ा और ऊपर से निकालना पड़ेगा. तो वहां पे एक्सीडेंट का रिस्क मिनिमाइज हो जाता है. इस फिगर में आप देख सकते हो इन्हें इंस्टॉल कैसे किया जाता है. आप देख रहे हो एक हेलीकॉप्टर के थ्रू एक आदमी बैठ करके ट्रांसमिशन लाइन पे इस मार्कर, इस बॉल को इंस्टॉल कर रहा है. तो अगली बार जब भी देखोगे ट्रांसमिशन लाइन पे कलरफुल बॉल, तुरंत समझ जाओगे इसका पर्पस क्या है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस. और अगर आपको मुझसे मशीन पढ़ना है लाइव डिटेल में तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ. 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मोर देन 160 आवर्स का कंटेंट है, डेली असाइनमेंट दिया जाएगा, हर संडे टेस्ट होगा, सारे के सारे डाउट भी आंसर किए जाएंगे.
और बेटा आपके कहने से हमने प्राइस हाइक को डिले कर दिया, इसीलिए अब तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन, और ज्वाइन करते वक्त कोड लगा देना अंकित ईएसई, ताकि सीधा मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओ, जहां रेगुलर बेसिस पे आपकी क्वेरीज को आंसर करके मैं आपको साथ लेके चलूंगा आपकी जर्नी पे। और बेटा यहां पे साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये वाला जो लिंक लिख रहा हूं मैं, इसको ब्राउजर में डालोगे तो सीधा टेलीग्राम ऐप में खुलेगा और वहां से ज्वाइन कर जाना। यहां आपको मिलेंगे लेक्चर नोट्स, लेक्चर नोट्स के अलावा डेली क्वेश्चंस, हर तरह का नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम चैनल पे आएगा। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस बारे में जानना चाहेंगे। सो टिल देन इंजीनियर्स, कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।